हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध का तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग में अंचु धातु के साथ शब्द आपके बीच में रखे जा रहे हैं। अब आपके बीच में त्रियंच शब्द आता है। अब त्रियंच शब्द में अब आप पूछेंगे कि कैसे त्रियंच बना। ती धन अंश जो यहां पर नहीं दर्शाया गया है लेकिन वह शब्द बनता है। ऐसा शब्द जब बन जाता है तभी हम सीधी सीधी चर्चा आपके बीच चलते हैं त्रियंच शब्द से। और त्रियंच शब्द से जैसा कार्य अभी तक हम करते चले आए हैं वही कार्य करना है। कोई अलग से हमें इसमें कुछ काम नहीं करना। अलग से काम करना होता है अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर। उसके पहले सामान्यतया त्रियंच शब्द चकारांत शब्द है। चवर्ग इसके अंदर है। चवर्ग होने के कारण सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है सी विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग जिनके अंत में है और दस आदि शब्द उनके अंत को गा आदेश होता है विराम और व्यंजन आदि। अब यहां पर विराम और व्यंजन आदि कहा है इसलिए सबसे पहले व्यंजनाच सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा। और सी विभक्ति का लोप होने पर जब चवर दीर्घादि नाम लगाया हमने उसको चा के स्थान पर का आदेश किया तो वह सूत्र हमारे बीच में आया था ये अनुबंध प्रयोगी मनोर अनुस्वारो धुटी। मा और ना को अनुस्वार होता है धुट के होने पर। अनुस्वार आदेश करने के बाद में बरगे बरगांता। इस सूत्र से जो अनुस्वार आदेश किया था उस अनुस्वार को कवर्ग का पंचम अक्षर घ आदेश हो जाएगा। और घ आदेश होने के बाद में त्रियंग ये हमारी स्थिति है। अगला सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः। और संयोगांतस्य लोपः आने पर जो गा आदेश हमने किया था उस गा का लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा त्रियंग। द्विवचन में हमें कुछ नहीं करना है केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये से अहु विभक्ति जोड़ देना है तो त्रियंचौ। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से अस बचेगा और वो जो जाएगा तो त्रियंचा। संबोधन में भी इसी प्रकार से काम होगा। कोई नया काम नहीं करना है। हे त्रियंग हे त्रियंचौ हे त्रियंचा। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में त्रियंचम द्विवचन में त्रियंचौ। अब सस विभक्ति हमारी आती है। सस विभक्ति के आने पर उस सस में से अस बचता है योनुबंधो प्रयोगी। ये अस जो बचा हुआ है ये अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं और अंचु धातु
विशेष कार्य हुआ है। अगुट स्वर वाली विभक्तियों में ही विशेष कार्य हुआ है, तो यहाँ पर जब अगुट स्वर वाली विभक्ति आती है तो सबसे पहले व्यंजनानुसंगः, इससे अनुसंग संज्ञा हो जाती है, और अनुसंग संज्ञा होने पर अनुसंगश्च क्रुञ्चेत्, सूत्र से अनुसंग संज्ञक का लोप प्राप्त होता है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है त्रियंग तिरस्ची, अर्थात त्रियंच शब्द के स्थान पर तिरस्ची आदेश होता है, ये उच्चारण के लिए है। पूरे त्रियंच के स्थान पर तिरस्ची यानी कि तिरस्च आदेश होता है, चार व्यंजन है। और सामने रहने वाला जो सस्मे से अस बचा था वो इस तिरस्च में जुड़ जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप सोर विसर्जनीय तिरस्चः। अगला ता विभक्ति आएगी, ता विभक्ति में भी ता का अनुबंध हो जाएगा युनुबंधो प्रयोगी से, और त्रियंग त्रियंग त्रियस तिरस्ची सूत्र से त्रियंच शब्द के स्थान पर तिरस्ची अर्थात ई का अनुबंध होकर तिरस्च बचता है और टा उसमें जुड़ जाएगा तो तिरस्चा। भ्याम विभक्ति में चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, और व्यंजनानुसंगः सूत्र से अनुसंग संज्ञा हो जाएगी, और अनुसंगश्च क्रुञ्चेत् सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, और लोप हो जाएगा तो फिर शब्द बन जाएगा त्रियक भ्याम। भ्याम विभक्ति के आने पर भी, विश्व विभक्ति के आने पर भी इसी प्रकार से चवर्ग दीर्घादि नाम च लगाएंगे तो त्रियक भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर ङ का अनुबंध लोप, सूत्र लग जाएगा त्रियंग तिरस्ची। त्रियंग तिरस्ची ये सूत्र कहता है कि त्रंच शब्द के स्थान पर तिरस्च आदेश होता है, तो चा व्यंजन है ये उसके ऊपर जुड़ जाएगा तो तिरस्चे। फिर चवर दीर्घादि नाम चे त्रियग भ्याम त्रियग भ्यास अनुसंगस च क्रुंचेत। गसी विभक्ति के आने पर त्रियंग तिरस्ची सूत्र से तिरस्ची आदेश होने पर इका अनुबंध कर तिरस्चाह व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। फिर भ्याम विभक्ति में त्रियग भ्याम, भ्यस विभक्ति में त्रियग भ्याह, षष्ठी के एक वचन में त्रियग तिरस्ची सूत्र के माध्यम से तिरस्ची आदेश होता है, और तिरस्ची आदेश होने पर जो गसी में से अस बचा था बस में जो जाएगा तो बनेगा तिरस्चाह। फिर त्रियग भ्याम त्रियग भ्याह, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में त्रियग तिरस्ची सूत्र के माध्यम से तिरस्ची आदेश होने पर तिरस्चाह, उस विभक्ति में भी तिरस्चो हो, और आम विभक्ति के आने पर तिरस्चाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में त्रियक तिरस्ची सूत्र से तिरस्ची आदेश होने पर गी में से ई बचाता जुड़ जाएगा तिरस्ची, उस विभक्ति में तिरस्चो,
और उसके बाद शुभ विभक्ति आती है। शुभ विभक्ति में वही पुराना काम जो हम करते चले आए हैं, अर्थात सर्वप्रथम चवर्ग दीर्घादि नाम चे। चवर्ग दीर्घादि नाम चे सूत्र से चाके स्थान पर गा आदेश, और गा आदेश करने के बाद में अनुसंग संज्ञा योनु व्यंजनानुसंग, उससे अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगश्चाकुरुञ्चेत् सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब उसका लोप होने पर अब हमारी स्थिति है त्रियग धन सुप। अब यहां पर सबसे पहले कवर्ग प्रथमा सस सेसु द्वितीयो वा, इसको लगाने के पूर्व अगो से प्रथमा सूत्र से गा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, और का आदेश होने पर कवर्ग प्रथमा सस सेसु द्वितीयो वा। इस सूत्र के माध्यम से जो वर्ग का पहला अक्षर का है, तीनों प्रकार के साथ साथ साम ऐसे कोई एक सा के होने पर उसको द्वितीय वा दूसरा हो जाता है, अर्थात का के स्थान पर खा आदेश हो जाता है, और खा आदेश होने पर त्रियक सु यह प्रयोग सिद्ध होता है। और जब हम यह सूत्र विकल्प से लगता है, और जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, सूत्र के माध्यम से जो सुप का सा है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर का सा योगे छा सूत्र से छा आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा त्रियक छुहु। ये त्रियंच शब्द के प्रयोग पूरे सिद्ध हो जाते हैं। एक बार पूरे शब्दों को समझ लीजिए, त्रियंग त्रियंच त्रियंच, हे त्रियंग हे त्रियंच हे त्रियंच। द्वितीय विभक्ति में त्रियंचम त्रियंच तिरस्च, फिर तृतीय विभक्ति में तिरस्चा त्रियग भ्याम त्रियग भी, तिरस्चे त्रियग भ्याम त्रियग भ्या, तिरस्चा त्रियग भ्याम त्रियग भ्या, तिरस्चा तिरस्चो तिरस्चाम तिरस्ची तिरस्चो, उसी प्रकार से दो रूप बन जाएंगे, तो त्रियक सु और त्रियक छु। ये त्रियंच शब्द की क्रिया पूरी होती है। अब त्रियंच शब्द के बाद में चकारांत शब्द शब्द पूर्ण हो जाते हैं इत्यादि। अब छकारांत पुल्लिंग प्राच शब्द हमारे बीच में आता है। अब प्राच शब्द के लिए आगे की प्रक्रिया हम करेंगे, क्योंकि दो ही काम होते हैं, व्यंजन वाली विभक्ति हो उसमें जो व्यंजन शब्द है उसके लिए कुछ काम होता है, तो प्राच ये छकारांत शब्द है, और इसके बीच में जो चा बिखरा है वो चा छाके निमित्त से आया हुआ है। छाके पड़े रहने पर उसको दुत हो जाता है, अगो से प्रथमा हो जाता है,
तब हम यहाँ पर अगर छ को कोई आदेश करेंगे, छ को कोई परिवर्तन करेंगे, तो जो चा बैठा हुआ है वो अपने आप विदा हो जाएगा, अपने साथी जब नहीं मिलेगा तो उसके अभाव में वो भी मैदान छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसा प्राच्य छकारांत शब्द हमारे बीच में है, उस छकारांत शब्द को यद्यपि चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र के माध्यम से वे चवर्ग है, तो चवर्ग होने के कारण उसको जा आदेश होना चाहिए, गा आदेश होना चाहिए, छा के स्थान पर गा। अगला सूत्र कहता है हसस छांते जादि नाम डा, हतात हकारांत सकारांत शकारांत छांते छांत और यजादि, इन शब्दों के होने पर जो अंत का अक्षर है उसके स्थान पर डा आदेश होता है। ध्यान रखना यहां भी तीसरा अक्षर ही हो रहा है और वहां गा हो रहा था, यहां तो सूत्र में लिख रहे हैं हसस छांते जादी नाम डा, लेकिन चवर्ग दीर्घादि नाम च उसमें नहीं लिखा कि गा होता है। अब इसका कारण समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर हसस छांते जादी नाम डा ये सूत्र जो आपके बीच में दिख रहा है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हकारांत हो सकारांत हो सकारांत हो छा जिंद के अंत में और यह जादी शब्द हो इनके अंत को डा आदेश होता है, परंतु चवर्ग दीर्घादि नाम च उसमें कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि हसस छांते जादी नाम डा सूत्र पूर्व का है और चवर्ग दीर्घादि नाम यहाँ पर हसस छांते जादी नाम डा का सूत्र नंबर है दूसरे अध्याय का 188 नंबर का नाम चे सूत्र का नंबर अगर हम देखेंगे तो उसका नंबर प्राप्त होता है दूसरे अध्याय का 190 नंबर का सूत्र, यानी कि 189 नंबर का सूत्र भी बीच में है जो हसस छांते जादी नाम डा सूत्र की अनुवृत्ति लेकर आ रहा है। तो ये सूत्र कह रहा है कि हकारांत सकारांत सकारांत छकारांत यजादी शब्दों के अंत को डा आदेश होता है, तो यहाँ केवल छा के लिए डा आदेश हो रहा है। चवर्ग दीर्घादि नाम च कहता है कि चवर्ग हो, लेकिन छा इधर आ गया, चवर्ग में छा भी आता है लेकिन ये छा व्यक्तिगत के लिए कहा है, तो यह हसस छांते जादि नाम से गाना होकर डा आदेश होगा। तो हसस छांते जादि नाम डा सूत्र से जो शब्द हमारे बीच में है प्राच उस छा के स्थान पर डा आदेश हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि छा के स्थान पर कोई आदेश होगा तो उसके पूर्ववर्ती जो चा है वो छा के निमित्त से ही आया था, तो जब छा का अभाव हो गया तो वह भी चला जाएगा निमित्त से अभाव, निमित्त के अभाव होने पर निमित्त कस्य भी अभाव, निमित्त के अभाव होने पर निमित्त का भी अभाव होता है ऐसा जानना चाहिए। और छा के स्थान पर मूर्धन्य सा डा आदेश किया है, डकार आदेश होने पर उसके पूर्व रहने वाला चा अपने आप विदा हो जाता है और विदा होने के बाद में बा विरामे जो हमारे बीच में सूत्र है वो बा विरामे डाके स्थान पर डावी करता है, डाके स्थान पर टावी करता है,
यानी कि बाबरामे कहता है विरामे दुटान प्रथमा स्थिति वा भवती, विराम में रहने वाला जो दुट वर्ण है उसको प्रथम भी होता है और तृतीय भी होता है। माने इसी सूत्र से दोनों काम किए जा रहे, प्रथमा तृतीय वा, पहला होता है और तृतीय होता है अथवा तृतीय होता है, दो आदेश तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। कोई भी एक आदेश किया जाएगा तो एक आदेश होने पर शब्द बन जाएगा प्राट और प्राड। अब यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो चा बैठा हुआ था वो कैसे आया था, क्यों आया था, कहां चला गया, तो जिस सूत्र से आया था उस सूत्र को आचार्य महाराज कहते हैं द्विर्भावम स्वर परस छकारा। द्विर्भावम स्वर परस छकारा ये सूत्र पीछे 119 नंबर का सूत्र है जो कहता है कि सामने छा हो तो छा को डबल हो जाता है। तो इस सूत्र से डबल हो गया था छा के निमित्त से। फिर 120 नंबर का सूत्र है अगोसे प्रथमा, उससे प्रथम आदेश हो जाता है तो पांच शब्द बन गया था। अब छाके स्थान पर डा आदेश किया तो छाके निमित्त से दुत्त होकर चा आया था तो चा भी चला गया, बाबरा में लगा देंगे तो बन जाएगा प्राट प्राड। द्विवचन आदि में हमें कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है, प्राचौ प्राचा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे प्राट प्राट, हे प्राचौ हे प्राचा। द्विवचन में प्राचम प्राचौ, अब इसमें हमें कुछ भी नया काम नहीं करना है, प्राचा प्राचा। अब काम करना है तो भ्याम विभक्ति में, भ्याम विभक्ति के आने पर हसस छांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश हो जाएगा और डा आदेश होने पर बन जाएगा प्राड भ्याम। डा आदेश किया है तो चा अपने आप चला गया क्योंकि वो छा के निमित्त से आता है, तो प्राड भ्याम प्राड भी। फिर उसी के बाद में जैसे प्राच्छा बनाया था प्राच्छा प्राच्छा प्राच्छे, प्राड भ्याम प्राड भ्या प्राच्छा प्राड भ्याम प्राड भ्या प्राच्छा प्राच्छो प्राच्छाम प्राची प्राच्छो। अब शुभ विभक्ति जब आएगी उसमें विशेष काम हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हसस शांति जादि नाम डा लगाना है और डा लगाने के बाद में इसको डा आदेश कर देंगे, अगो से प्रथमा लगाकर उसको प्रथम अक्षर कर देंगे और प्रथम अक्षर करने के बाद में स्थिति है धन्य सुप, माने उसको प्रथम हो गया। उसके बाद में हमारे बीच में सूत्र आता है और वह सूत्र कहता है कि टा के बाद में यदि सा है तो टकार का आगम हो जाता है। अब तात सुप्ता दिर्वा, आगे सूत्र है 275 नंबर का, तात सुप्ता दिर्वा यह सूत्र कहता है टा से परे सुप, सुप माने सुप, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का सुप, उसके आदि में भवती
उसके आदि में क्या होता है, ता भवती, तादि भवती, ता होता है, व माने विकल्प से। तो सुप्त विभक्ति के आदि में ता होता है, ता आदि, ता उसके आदि में आ जाता है व माने विकल्प से। और जब ता आ जाएगा तो एक और रूप बन जाएगा, और एक रूप और बनने पर प्राटसु, प्राटसु, इस प्रकार से दो प्रयोग बनते हैं ऐसा जानना चाहिए। इत्यादि छकारांत माने छकारांत शब्द का प्रसंग भी पूरा हो गया। अब ये अपने को दोनों सूत्रों को ध्यान रखना है, हसस शांते जादि नाम डा और चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम से गा करता है और हसस शांते जादि नाम इससे डा करता है, लेकिन किसको करता है, हा के लिए, सा के लिए, सा के लिए, छा के लिए और यज आदि धातुओं के लिए ये कार्य करता है। और सुप्त विभक्ति में तात सुप्तादिर्वा सूत्र के माध्यम से तकार का आगम होकर विकल्प से प्राट सु, प्राट सु, इस प्रकार से दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। पुनः हसस शांते जादि नाम डा सूत्र की प्रक्रिया आपके बीच में आएगी। तो इन दोनों सूत्रों का अर्थ चवर्ग दीर्घादि नाम च कहां लगाना है और हसस शांते जादि नाम डा सूत्र कहां लगाना है, ये दोनों की जानकारी आपको दी। शेष चर्चाएं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो हे जिन वाणी भारती ओए जपो दिन रे जो तेरी शरण गए तो पावे सुचैन देव वजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंत। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। भजन सुनाइए भाई। सुना रहे हैं अरुण भाई? सुना रही है? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है इसलिए आवाज भी चालू है, आप सुनाइए जी। चरणों में आया हूँ उधार जिनंद कर दो, निज रीति निभा करके उपकार जिनंद कर दो,
चरणों में आया हूँ, उधार जी नंद कर।